स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आई एम रोहित। इस वीडियो में आपको बताऊंगा IBPS का स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है उसका लॉ ऑफिसर का प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस क्या है और इसके लिए स्कीम क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले उसका प्रोफेशनल नॉलेज का सिलेबस देख लें, जो कि 80 मार्क्स का वेटेज रखता है। लॉ ऑफिसर के लिए 80 मार्क्स का वेटेज रखता है, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं पहले, इसमें कितना हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। सबसे पहले लॉ ऑफिसर है तो जाहिर सी बात है लॉ उससे रिलेटेड होंगे, RBI से, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर से जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होते हैं, पार्टनरशिप कंपनी के फॉर्म में जो भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो पूरा आना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले RBI का फंक्शन उनको पता होना चाहिए। सेकेंड है रिलेवेंट लॉ रूलिंग रिलेटेड टू नेगोटिबल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड, फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड रूल्स होते हैं, लॉस होते हैं, वो पता होना चाहिए, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में कौन कौन से एक्ट लगते हैं वो पता होना चाहिए। बैंकर बुक एविडेंस एक्ट हो गया, ऑफेंसिव एंड पेनल्टी क्या क्या लगेगी अगर आपने कोई चेक बाउंस हो गया, इस टाइप से वो आपको पता होना चाहिए। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये आपको होना चाहिए। फिर बैंकिंग ओवर्समैन जो स्कीम होती है वो, उसके बाद RTI एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो भी है ये, उसके साथ साथ बैंकिंग रेगुलेटर इम्पॉर्टेंट लॉज जो हो गए वो, लिमिटेशन एक्ट 1993, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट 1891, सॉरी, द रिकवरी ऑफ डेब्ट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये वाला एक्ट पता होना चाहिए पूरा। उसके बाद सरफासी एक्ट जो कि 2002 में लागू हुआ था, इसके बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन सरफासी से बहुत पूछे जाते हैं। फिर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट होते हैं मिसेलियस टाइप के वो, फिर बैंकिंग ओवर्समैन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए। फिर रिडर्सल ग्रेविजेंस की जो प्रोसीजर होती है वो पता होना चाहिए। फिर कमर्शियल लॉ जो होते हैं बैंकिंग ऑपरेशन के वो, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ गारंटीज में क्या होता है, बेलमेंट में क्या होता है, प्लेज में क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट के ये, फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, फिर मीनिंग एंड एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की मीनिंग होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप के जो एब्रिविएशन यूज़ होते हैं उनकी आपको पता होना चाहिए, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप ये पता होना चाहिए, फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कोई कंपनी नॉन रजिस्टर्ड है उससे रिलेटेड इशू क्या होंगे वो पता होना चाहिए। फिर फीचर ऑफ कंपनी क्या क्या, फर्म होती है कैसी फर्म होती है, किस टाइप की फर्म होती है ये पूरा डिटेल पूछता है। फिर टाइप ऑफ कंपनी कैसी फर्म है, कैसी कंपनियाँ हैं, ठीक है। फिर मेमोरेंडम पता होने चाहिए आपको कि अगर एसोसिएटेड कंपनी है, दो पार्टनर फर्म है इस टाइप से, तो वो पता होना चाहिए। फिर डॉक्ट्राइन अल्ट्रा कंस्ट्रक्टिव नोटिस इंडोर मैनेजमेंट, ठीक है, तो ये हो गया। फिर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1982, फिर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में डिटेल नॉलेज होना चाहिए ये पूछता है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, बैंकिंग रेगुलेशन एंड कंपाइलेंस एंड लीगल एक्सपेक्ट्स, RBI कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑब्जेक्टिव क्या क्या होता है, RBI के कॉन्स्टिट्यूशन का क्या रूल है, RBI के जो भी नए गाइडलाइंस रिलेटेड अगर जैसे करंट पर में चल रहा है अभी, जैसे कोई चेंज किया लॉ, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इसके बारे में पता होना चाहिए, CIB के बारे में। फिर बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, इथिक्स की बारे में बात करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर पेमेंट ऑफ कलेक्शन ऑफ चेक एंड अदर नेगोटिबल इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब चेक हो गया, डिफरेंट टाइप के जो होते हैं, ठीक है, वो पता होना चाहिए। फिर टाइप ऑफ कोलेट्रल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक, कोलेट्रल्स जो होते हैं, दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, बैंकों का मर्जर हो रहा है, ठीक है, तो वो पूछेगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इंपॉर्टेंट है ये। फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट 2000 एक्ट। फिर है लास्ट वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो ये जो है ये डिटेल सिलेबस है लॉ ऑफिसर के लिए और 80 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो पहले तो मैं बता दूं इसमें आएगा क्या क्या, ठीक है, वो देख लेते हैं इसमें क्या क्या आना है और क्या क्या नहीं आना है। देखिए, लॉ ऑफिसर का होगा तो उसमें सबसे पहला जो सेक्शन होगा रीजनिंग का होगा, ठीक है, ये 50 क्वेश्चन होंगे। फिर इंग्लिश का होगा 50 क्वेश्चन, फिर जनरल अवेयरनेस का होगा एक सेक्शन, ये भी 50 क्वेश्चन, फिर प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, ठीक है। तो प्रोफेशनल नॉलेज में 50 क्वेश्चन होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन ये जो होंगे 80 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन है 80 मार्क्स के होंगे। और एक ध्यान देने वाली बात ये है, आपको एप्टीट्यूड का सेक्शन नहीं होगा, तो आप
जीके में स्कोर कर सकते हैं। जीके में आपको स्टेटिक्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, बैंकिंग और उससे रिलेटेड। बाकी ये जो है डिटेल में लॉ ऑफिसर का सिलेबस था। होपफुली जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी उन्हें पसंद आए ये वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।